कोई सवाल है क्या? अदानी विल्मर है सर मेरे पास, 200 350। 350 पे 200 अडानी विल्मर। सरवेन जी इसका चार्ट बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन जितना लंबा है उसी के हिसाब से बता दीजिए। नहीं देखिए, इस पे बहुत कोई स्ट्रांग ओपिनियन नहीं है, और ये सेटअप वही है कि कभी ये सर्किट अप सर्किट डाउन वाला स्टॉक है। आई थिंक मोटा मोटी मैं इनको रेंज बताऊंगा। ने ट्विटर के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। अदानी विल्मर के 62 शेयर इनके पास हैं, 698 रुपए के भाव पे इन्होंने स्टॉक में एंट्री ली, और इस वक्त इनके भाव से सीधा आधा हो चुका है, ये स्टॉक आधे से भी ज्यादा नीचे है इस वक्त ये स्टॉक का। चलिए इस पर एक नजरिया लेते हैं। सौरभ, क्या करना चाहिए अदानी विल्मर में? 698 की खरीद है। पीछे 2-3 तिमाही के अगर आप नतीजे देखेंगे तो ज्यादा जो कंपनी है वो एडिबल ऑयल के कारोबार में है, और वहां पर कंटिन्यूसली प्रेशर देखने को मिल रहा है। जो डोमेस्टिक प्राइसेस है वो नीचे आ रहे हैं, मार्जिन्स पे बिल्कुल दबाव देखने को मिल रहा है, तो ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी इम्पैक्टेड है। इन्होंने जरूर महंगे भाव पे लिया है, और साइकिल कब टर्न होगी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कमोडिटी की साइकिल्स जो होती हैं उनके पीक एंड ट्रफ दोनों ही बहुत ही मतलब स्टीप होते हैं। अभी ये ट्रफ पीरियड में चल रहा है, यहाँ से निकलने का कंपनी के ऑपरेशनल मैट्रिक्स कब सुधरेंगे ऐसा बिल्कुल भी कोई गाइडेंस नहीं है कंपनी की तरफ, मुझे लगता है, क्योंकि अभी आपको और तो एवरेज नहीं करनी चाहिए, लेकिन इन रेटों पे मुझे लगता है निकलने की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई बाउंस आए तब निकलने की चेष्टा करें, फिलहाल बने रहें।